दिया फ्राई होने के लिए। तो ये दूसरा बैग भी फ्राई हो गया है, निकाल लेते हैं। इस तरीके से सारे हम निकाल देंगे। तो थोड़ा सा रह गया है, तो आप देख सकते हैं फ्राई हो गया है। हाई एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैंने ब्रेड का नाश्ता बनाया जो कि बहुत ही अमेजिंग है। एक बार आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। और बदलते मौसम, ठंड का मौसम है, चाय के साथ कुछ खाना हो तो आप इसे बनाइए और चाय के साथ में इंजॉय करिए। यहाँ पे मैंने सॉस और ग्रीन चटनी से मैंने सर्व किया हुआ है। बच्चे बड़े सब खुश हो जाएंगे इस तरीके से रेसिपी बनाएंगे तो। आपकी तारीफें होंगी और बार बार फरमाइशी किया जाएगा कि यही रेसिपी आप बना के चाय के साथ इंजॉय करें। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देख सकते हैं, एकदम करीब से मैं दिखा रही हूँ। आज मैं ब्रेड का नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो बॉयल आलू को मैंने क्रश कर लिए, कद्दूकस करके मैंने ले लिया है। हाथों से नहीं मसला है तो वो आप चीज़ देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ सूखे मसाले लूँगी, मैंने अलग अलग नहीं लिया, इसे टाइम बचता है और वीडियो लॉन्ग शॉर्ट बनेगा। आधा चम्मच हल्दी, मैंने यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली लिया है क्योंकि तीखा ना हो। और आधा चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्ची, एक चम्मच धनिया पाउडर, धनिया पाउडर ज़रूर डालिएगा, और भुना कुटा हुआ ज़ीरा। तो ये हम सारे इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैं एक चम्मच के करीब मिक्स हर्ब ले रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और आधा चम्मच चाट मसाला लिया मैंने, इसे भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा खटास के लिए मैंने नींबू लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे अमचूर पाउडर भी यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे नींबू का जूस यूज़ कर रही हूँ। ज़्यादा डालेंगे तो गीला हो जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूँगी और इसे हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से आलू को। तो आप देख सकते हैं ये फिलिंग मैंने तैयार कर लिया है, स्टफिंग। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और हाँ, मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, बच्चे के लिए बना रहे हो तो उसे कम ही डालिएगा। अब हम इसे रखते हैं साइड में। अब हम एक बैटर बनाएंगे, जिसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैंने एक कटोरी बेसन लिया है भर के। तो इसे हम ऐड कर देंगे। इसमें मैं नमक डालना भूल गई थी तो मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। इसे हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो ये हमारा मिक्स हो गया। तो मैंने एक कटोरी वो लिया है, आधा कटोरी से भी कम मैंने रवा लिया हुआ है। तो इसे हम मिक्स कर लेते हैं इसमें अच्छे से, और दोनों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब यहाँ पे मैंने एक कप पानी लिया हुआ, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, एक साथ में ज़्यादा नहीं। तो हम इसे मिक्स करते जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में इसे हम चला दे रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे पानी कम लग रहा है, यहाँ पे मैं और पानी डालूँगी। इसे हमें, क्योंकि हमने यहाँ पे रवा ऐड किया हुआ है तो उसके सोख होने के लिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा। एक साइड से हम इसे फेटेंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने फेट लिया है। तो यहाँ पे मैं कुछ सूखे मसाले डालूंगी क्योंकि मैंने एक साथ में निकाल लिया टाइम बचाने के लिए, तो वीडियो लॉन्ग बन जाएगा। आधा चम्मच कलौंजी लिया मैंने और हाथों से क्रश करके मैंने आधा चम्मच अजवाइन लिया है, बेसन है तो अजवाइन और प्याज ज़रूर डालिएगा। और आधा चम्मच मैंने कश्मीरी रेड चिली लिया है और आधा चम्मच हल्दी, तो मैं इसमें ये ऐड कर दूँगी। और इसे हम मिक्स कर लेते हैं मसाले को। और यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ का प्याज लिया है, रफली मैंने स्लाइस कर दिया। तो इसे हाथों से हम क्रश कर लेंगे, इसके अलग अलग टुकड़े निकल जाए। तो ये क्रश ज़रूर कर लीजिएगा आप।
तो इसे हम क्रश करते हुए इसमें ऐड कर देंगे प्याज को। देखिए अलग अलग हो गया है। तो यहाँ पे मैं हरा धनिया ऐड कर दूँगी, मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और हरी मिर्ची मैंने बारीक काटी हुई है, आप मिर्ची अपने हिसाब से डालिएगा, तो मैं एक ही चम्मच डाल दूँ, ज़्यादा तीखा हो जाएगा। और यहाँ पे मैं नमक ऐड कर रही हूँ, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, क्योंकि आलू में ऑलरेडी नमक है, तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारे मसाले के साथ में, ये बैटर हम तैयार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो बैटर हमने तैयार कर लिया, बिल्कुल हमें ऐसे ही चाहिए, ना ज़्यादा पतला और ना गाढ़ा। तो मैंने इतना पानी लिया था तो इतना ही यूज़ हुआ बैटर बनाने में, इसे भी हम साइड में रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 स्लाइस लिए हैं, आप चाहें तो इतना बना सकते हैं, तो मैं 2 को साइड में हटा रही हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस पर बटर लगाऊंगी, जो कि ब्रेड है ना अच्छे से कवर हो जाए और इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा, इनहेंस हो जाएगा। तो हम दोनों साइड में बटर लगा लेते हैं पहले। ये जो नाश्ता है ना बहुत ही चटपटा और बहुत ही अच्छा बनता है, सबको पसंद आएगा। तो इस मेरे तरीके से इस तरह से बनाइए। और मैंने यहाँ पे ग्रीन चटनी पहले से ही मैंने बनाया था, तो आप क्या करिएगा, मैंने ग्रीन चटनी की रेसिपी है ना चैनल पे अपलोड किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने धनिया लिया 1 मुट्ठी और 3 लहसुन की कलियाँ और 1 आधा चम्मच जीरा और नमक और नींबू डाल के मैंने बना लिया है। तो आप यहाँ पे कुछ भी सॉस भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगा रही हूँ, तीखा हो जाएगा। और एक तरफ मैं यहाँ पे टमाटो केचप ऐड करूँगी, वो भी थोड़ा सा, तो इसे भी स्प्रेड कर लेते हैं अच्छे से। अब यहाँ पे जो मैंने आलू की स्टफिंग बनाई थी ना, तो उसे हम ले लेते ग्रीन चटनी के ऊपर, थोड़ा सा ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लगाना है, इसे मोटा नहीं करना है। तो हम अच्छे से इसे फैला लेंगे। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देख सकते हो ना अच्छे से चिपक गया, ये ज़्यादा भी नहीं लगाना है। और इसे हम ऐसे चिपका लेंगे अच्छे से, तो ये चिपक गया है। तो यहाँ मैं नाइफ से है ना इसे काट लेती हूँ, आप चाहें तो 2 टुकड़ों में भी काट सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे मैं पहले मैंने लगा लिया। और तेज़ धार वाली चाकू ही यूज़ करिएगा और फ्रेश ब्रेड लीजिएगा, मैंने एकदम फ्रेश लिया हुआ है। तो इसी तरीके से मैं दूसरा वाला भी बना लेती हूँ। देखिए आपको दिख रहा है ना, तो दूसरा भी हम ऐसे ही तैयार कर ले। आप देख सकते हो दूसरे वाले में भी मैंने लगा लिया है, और इसे हम अच्छे से चिपका लेंगे। तो इसे भी मैं कट कर ले रही हूँ। ये जो नाश्ता है ना बहुत ही झटपट जल्दी से बन के तैयार हो जाता है, और इतना क्रिस्पी और अच्छा टेस्टी बनता है ना कि सारे तारीफें करेंगे आप। ये आप देख सकते हो, अब देख सकते हो 6 स्लाइसेस में मैंने बनाया इतना सारा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो फ्राई करने के लिए मैंने फ्राई पैन लिया हुआ है, उसमें ऑयल डाला है, गर्म हो रहा है, तब तक ये बैटर है ना इसमें हम 1 स्लाइस लेंगे और अच्छे से इसे हम कोट करेंगे, कि प्याज भी हमारा इसमें लगना चाहिए। तो ये देखिए कोट हो गया अच्छे से, एक एक करके हम इसे हम ऑयल में डाल देंगे। इसी तरीके से हम एक एक करके डाल के चले जाएंगे।
तो ये नाश्ते मैंने एक एक करके मैंने सब डाल दिया। ये नाश्ते की खास बात ये है कि टू इन वन मज़ा देगा, बहुत ही खाने में अच्छा लगता है। तो एक साइड से हम इसे कलर आने देते फिर इसे पलट लेते। ये देखिए बहुत प्यारा कलर आया है, इसे भी हम पलट लेते। करके इसे भी पलट लेते। ये देख सकते एकदम करीब से मैं दिखा रही हूँ, और आप इसे इंजॉय करिए चटनी और सॉस के साथ में, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताइए। हाँ, और आप कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।